एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, बच्चों की क्लास चल रही है और घर के लिए दाल वगैरह बना लिए हैं मैंने, सब अपनी अपनी क्लास ले रहे हैं, सारा काम हो गया है। आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जो छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। उससे सब लोगों की कमज़ोरी एकदम से कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से ख़त्म हो जाती है, लेकिन धीरे 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 करके उससे कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि वो लोग खुद परेशान करते हैं खाना वाना खाने में, तो उनको एक बार दो बार दे दो दिन में, तो उससे बहुत बढ़िया रहता है, उनकी ताकत बनी रहती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो स्पेशल चीज़ क्या है। ये देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम अखरोट लिए हैं, 50 ग्राम काजू लिए हैं और 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पे मिश्री ली है। सबसे ज़्यादा हमको बादाम लेने हैं, जितने हम बादाम लेंगे उसके हाफ हाफ में हमको तीनों चीज़ें लेनी हैं, बस इतना ही करना है। अब इनको पीस लेंगे और इनको हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अगर हम इसको बारीक पीस लेंगे तो हमारे मुँह में वो चिपकेगा, क्योंकि बादाम के अंदर और अखरोट के अंदर ऑयल होता है तो वो चिपकेगा, फिर हमसे वो खाया नहीं जाएगा। इसलिए हमें खुरद सब चीज़ों को अलग अलग पीसना है। पहले बादाम को पीसेंगे, अखरोट, कुछ काजू, मिश्री सबको पीसेंगे और फिर सबको इनको मिक्स कर एक साथ इकट्ठा कर मिक्स कर एक बर्तन में रख लेंगे, सॉरी एक डिब्बे में रख लेंगे इनको। और बस एक चम्मच सुबह लेना है हमको और एक चम्मच शाम को लेना है। चाहे तो आप दूध के साथ लीजिए, चाहे आप ऐसे ही ले लीजिए, बड़े लोग भी लीजिए और जवान भी लीजिए, बच्चे भी लीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो चलिए मैं अब इनको पीस लेती हूँ और आपको पीस कर दिखाती हूँ कैसे पीसना है इनको। मैं इसमें पहले बादाम डाल दूंगी, बादाम को पीस लेंगे, सारे बादाम ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 100 ग्राम के करीब ही हैं हमारे बादाम, ये देखिए। और मोटा ही, थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक मत कर देना, बिल्कुल नहीं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए वहाँ से ये देखिए, देखो एक मिनट में पीस गया, कितना मोटा मोटा सा पीसा है मैंने, थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसा है, ये देखिए बिल्कुल सही है ये इस समय। देखिए अब हम इसमें काजू डाल लेंगे, केवल 1 सेकंड के लिए ही चलाना है। हो गया हमारा पिसका तैयार, अब इनको मिक्स करते जाएंगे हम लोग। ये देखिए अब मैं इसमें मिश्री डाल लूँगी, मिश्री से थोड़ा मीठा टेस्ट आता है और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर हम काजू, बादाम और अखरोट डालेंगे तो वो फीका फीका लगेगा, तो इसलिए खाने में बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा और हमको भी थोड़ा टेस्ट कम लगेगा। और मिश्री डालने से इसका मीठा टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी बहुत। ये देखिए मिश्री का तो 2 मिनट में ही पाउडर हो जाता है, क्योंकि मिश्री एकदम करारी करारी सी होती है ना, तो एकदम से पाउडर हो जाता है इसका। ये देखिए पाउडर हो गया। अब इसमें ऑयल ज़्यादा होता है हमारे अखरोट में, तो इसलिए हम इसको सबसे बाद में पीसेंगे। देखिए अखरोट भी पिस गया है, देखिए अखरोट के अंदर ऑयल होता है तो ये थोड़ा चिपचिपा सा है, लेकिन जब इसको हम और चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए इसको अच्छी तरह से निकालेंगे, ये देखिए अब हम इसको स्पून से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अखरोट थोड़ा तेल वाला होता है ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा गांठ सी बन जाती है, इसलिए उसको दरदरा ही पीसना है सब चीज़ों को।
ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और बिल्कुल इसी तरह की क्वांटिटी रखनी है। अगर हमें 100 ग्राम बादाम लिए हैं तो सब चीज़ों को हाफ हाफ लेना है। अगर हमने 200 ग्राम बादाम लिए हैं तो 100-100 ग्राम सब चीज़ें लेनी है हमको, इसी क्वांटिटी में रखना है। नहीं तो गर्म बादाम बहुत गर्म होते हैं ना, तो उन्हें तो नुकसान कर जाएंगे। अगर हमें बादाम तो बहुत ज़्यादा ले लिए तो इस तरह से हमें अखरोट भी गर्म होते हैं तो नुकसान कर जाएंगे। इसी तरह से हमें बादाम जितना लिए उसकी हाफ क्वांटिटी में सब चीज़ें लेनी है। मैं इसमें भर लूँगी अब इसको, और एक एक चम्मच सबको दे देती हूँ मैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों टाइम दे देते हैं हम लोग। अगर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं इसको तो दूध के साथ लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसी चम्मच से लेना चाहते हैं तो चम्मच से ले लीजिए। बस ये बन गया है मेरा, ये बादाम काजू सबका मिक्सचर बन गया है। ये कितना बढ़िया है देखिए। मैं अभी कह रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बताया है तो एकदम से कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप लगातार इसे रोज़ लेंगे, दोनों टाइम अगर रोज़ लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये घुटनों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है, क्योंकि अखरोट वगैरह में ऑयल होता है, अखरोट और बादाम में ऑयल होता है, तो ये घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कि बुज़ुर्ग लोग वगैरह वैसे भी कमज़ोर होते हैं और खाना वगैरह भी कम खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है। मैंने भी अपनी मम्मी को पूरा बनाकर दिया है इसी तरह से। अब मम्मी कम खाती हैं खाना, तो वो सुबह भी एक चम्मच ले लेती हैं, शाम को भी ले लेती हैं एक चम्मच, तो इससे अपने शरीर में ताकत बनी रहती है और बहुत ही बढ़िया रहता है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। बस ये है कि थोड़ा सा ये चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि ऑयल होता है ना, तो इसे चिपचिपा सा हो जाता है। अगर बच्चे अगर दूध में मिला के ले लेते हैं तो बच्चों को दूध में मिला के भी दे दीजिए। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।